कौन कितने पानी में ये पैसे की है और बेटा सी वाली आपको पता दे रहे हैं बर्गर जा करके हैं आपके तो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है बच्चों। इधर आओ बच्चों, सब लोग आप इधर आओ। आप क्या दे रहे हो बेटा? इधर लाओ सब लोग बच्चों। आप लोगों की ये उम्र खेलने कूदने की पढ़ने की उम्र है। आप इस उम्र में एक पुस्तक लेके गली गलियों में जा रहे हो। आप देखो बना दिया। अरे अंकल जी, आपसे किसने कह दिया कि बच्चे बचपन में भक्ति नहीं कर सकते? जो ध्रुव पहलाते उन्होंने भी बचपन में भक्ति की थी और परमात्मा की प्राप्ति की थी, तो हम भी उन्हीं की तरह पढ़ाई भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज ने ये पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान पहुंचा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? समाज में ऐसा क्या जानकारी देना चाह रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से जो आप लोग ये प्रचार कर रहे हो, बता सकते हो आप? दहेज प्रथा को बंद करना। जो माँ बाप बचपन में ही अपनी बेटियों को गर्भ में मार देते थे, वो इस वजह से मार देते थे कि बच्चे बेटी जब बड़ी होगी तो उसकी शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस सबको मिटाने के उद्देश्य से ये ज्ञान चलाया है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त बना रहे हैं। अच्छा बच्चों, और बताइएगा आपके संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में और क्या योगदान रहा है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं। अच्छा, और कोई बच्चा हो बता सकता है कोई? हमारे गुरुजी जो कि संत रामपाल जी महाराज जीव हत्या को रोकने का कार्य कर रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद को मिले। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्व परमात्मा कवि साहिब जी की भक्ति बताते हैं जो शास्त्र में प्रमाणित है। कौन कबीर? आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब काशी में आए थे, वही पूर्व परमात्मा है। इन्होंने दोहों और कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया था जो नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं की वजह से अधूरा रह गया था, अब जिसे संत रामपाल जी महाराज आकर पूरा कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ आपके संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं इससे आपको क्या लाभ मिले और क्या सुधार हुआ? हमको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक ज्ञान मिला। अच्छा बेटा आप बताओ। और हम समाज की बुराइयों से बचे रहते हैं। अच्छा बेटा आप बताओ। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति से कैंसर जैसी बीमारियां भी जड़ से खत्म हो जाती हैं। अच्छा बेटा आप बताइए। हम मोबाइल पे गेम भी नहीं खेलते हैं और गाने भी नहीं सुनते। हम फिल्म नहीं देखते। अच्छा बेटा आप? हम धारावाहिक नहीं देखते। हम अनुशासन में रहते हैं। हम झूठ नहीं, हम परमात्मा की भक्ति और पढ़ाई दोनों ही मर्यादा में करते हैं। अच्छा बेटा आप बताइए। हमारे गुरुजी का उद्देश्य है स्वच्छ समाज निर्माण। इन बच्चों से इनके अनुभव के बारे में जाना। संत रामपाल जी महाराज का इतना अच्छा ज्ञान है, उस ज्ञान को तो वाकई में समाज तक पहुँचना चाहिए। और इतना अच्छा प्रमाणित ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इनके अनुभवों से मालूम पड़ा, तो उस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को समाज तक कैसे पहुँचाया जाए? पूछते नहीं लोगों से कैसे पहुँचे ज्ञान को? जगत गुरु द्वैसी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 7:30 से 8:30 तक आता है साधना चैनल पर, और उसके नीचे एक येलो लाइन चलती है जिस पे नंबर आते हैं, उन नंबरों पे कॉल कर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं और उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से ही क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? जानकारी हो सकती है जीने की राह पढ़कर और ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे बच्चे, इनका अनुभव जाना, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं गलियों में इन्हीं पुस्तकों लेकर, ज्ञान गंगा जीने रा पुस्तक लेकर गली मोहल्लों में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान है और इन्होंने सारा ज्ञान प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस उम्र में छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन उस उम्र में ये बच्चे देखो प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का। वाकई में देखिए इनके गुरु कितने अच्छे होंगे जब ये बच्चों के अंदर इतने संस्कार दिए जा रहे हैं। इनके परिवार में कितनी शांति सुकून चैन होगा, कितना लाभ मिल रहा है इस भक्ति करने से। वाकई में सारे दुनिया को, सारे संसार को संत रामपाल जी महाराज से सीख लेनी चाहिए और उनकी शरण में आना चाहिए और नाम दीक्षा लेकर अपनी भी